नमस्कार ललितपुर लाइव टीवी के इस खास बुलेटिन खबरें फटाफट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। जिले की दिन भर की हलचल भरी छोटी बड़ी खबरों के साथ तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि जिले की हर छोटी बड़ी खबर आप तक समय से पहुंच सके। मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट रोड स्थित कनगौरा गांव का, जहां बीते दिन पहले राजघाट की सरपट रोड पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सीधी नहर में जा गिरी। यह तो गनीमत रही कि लग्जरी कार की वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ और कार सीधी नहर में जा गिरी थी, और यहां के क्षेत्रीय ग्रामीण लोग इस घटना को भूल नहीं पाए थे। आज फिर दोपहर में एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार चालक द्वारा गाड़ी का गेट खोलकर थूकते समय एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में साइकिल सवार मां बेटे की गाड़ी की चपेट में आ गए और कम से कम 50 से 60 मीटर दूर घसीटते चले गए। इस घटना में मां बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी, गांव के सभी ग्रामीण इकट्ठे हो गए और रोड जाम कर दिया एवं स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चालक की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे आक्रोशित लोगों को जैसे तैसे समझा बुझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया। आखिर क्या है पूरा मामला, तो वहीं ग्रामीण और पुलिस का इस घटना को लेकर आखिर क्या है ना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ राजघाट से राघवेंद्र सिंह रिपोर्ट। साइकिल भी राजघाट से ललितपुर साई जी, और फोर व्हीलर भी राजघाट से ललितपुर साई। अच्छा, तो ये पीछे से गाड़ी मार दी? गाड़ी पीछे से मारी। कौन चला रहा था गाड़ी, कैसे हुआ घटना? चला रही एक मामला अभी आया है, जो राजघाट रोड से एक स्विफ्ट गाड़ी आ रही थी और साइकिल पे माँ और बेटे जा रहे थे। कार की टक्कर से उन दोनों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। इस संबंध में ग्रामीणों ने वहाँ पर थोड़ा आक्रोशित थे, उनको समझाया बुझाया गया, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामला ललितपुर जिले की झांसी ललितपुर हाईवे का है, जहां थाना तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जमालपुर के पास रॉन्ग साइड से जा रही बाइक स्विफ्ट डिजायर कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दो बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बाइक सवार महरौनी थाना क्षेत्र के ग्राम सुकाड़ी बताए गए हैं। चंद्रभान पुत्र राम सिंह, ब्रजेश पुत्र परसु, जो की अपनी मोटरसाइकिल से तालबेहट की ओर रॉन्ग साइड से जा रहे थे, सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार में टकरा गए, जिसमें दोनों युवकों की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तेरी फाटक चौकी इंचार्ज ने मोर्चा संभाला, तत्काल हाईवे एम्बुलेंस को बुलाकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही तेरी फाटक पुलिस चौकी इंचार्ज का फोन आया, जैसे ही तत्काल हम लोग गए वहाँ पे, मौका स्थल पे देखा तो वहाँ पे जाने के बाद में फोर व्हीलर झांसी तरफ से आ रही थी और ये रॉन्ग साइड जा रहे थे दोनों जन, तो आमने सामने टक्कर हुई, दोनों ये स्पॉट ही पे ख़त्म हो गए हैं, बाकी हॉस्पिटल लेके आए हैं आपके सामने। मामला ललितपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां किसान यूनियन के नेताओं द्वारा साबरमती एक्सप्रेस से दिल्ली में आयोजित किसान रैली में शामिल होने के लिए जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस पर चढ़ने का प्रयास किया, उसी दौरान पुलिस ने प्रशासन में मौके पर सभी किसान नेताओं को घेरकर उन्हें समझा बुझाकर दिल्ली जाने से रोक दिया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आखिर किसान नेता दिल्ली क्यों करने जा रहे थे, वहां प्रदर्शन देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोग दिल्ली जा रहे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग साबरमती से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, हम लोगों को गाड़ी से उतार लिया गया है। अब हम लोग जैसे भी बनता है, जैसी दूसरी गाड़ी आएगी हम लोग दिल्ली के लिए जाएंगे। देखते हैं पुलिस प्रशासन किसानों को कब तक रोक पाती है। हम सैकड़ों की संख्या में हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो कल हजारों की संख्या में कूच करेंगे। हम ये तानाशाही नहीं चलेगी किसी भी प्रकार से। पुलिस का ये रवैया ठीक नहीं है। हम लोगों को गिरफ्तार किया, हम लोग अपनी शांति प्रिय ढंग से ललितपुर से और दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ललितपुर स्टेशन पर पुलिस द्वारा हम लोगों को रोक लिया गया, जबरदस्ती घसीट घसीट कर हम लोगों को बाहर निकाला गया। हमें घोर निंदनीय कार्य है और हम लोग दिल्ली जाके रहेंगे। मामला ललितपुर जिले के थाना नाराहट का है, जहां एक किसान शहर की हृदय स्थली घंटाघर पर देर रात से ही वह धरने पर बैठ गया। पीड़ित किसान ने मांग की है कि उसकी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर तत्काल रोका जाए। आखिर पीड़ित और ललितपुर कांग्रेस नगर अध्यक्ष हरीश बाबू शर्मा का अवैध निर्माण को लेकर क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारा नाम हरीश बाबू शर्मा, नगर अध्यक्ष कांग्रेस ललितपुर। हमारा जो घंटाघर पर धरना चल रहा है, हमारे थाना नाराहट ग्राम सतौरा के निवासी हरगोविंद सरोठिया, जिनकी ज़मीन पर वहाँ के प्रधान
और वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा इनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और उनके पर अभी तक ये काम लगाए हुए हैं, वहाँ पर निर्माण कार्य जारी है और इनकी जिलाधिकारी को शिकायत करने के बाद, एसपी को शिकायत करने के बाद, वो ज़मीन पर रजिस्टर होने के बाद वहाँ के थाना इंचार्ज नाराहट जबरन इन पर मुकदमा, प्रधान ने कहने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनकी जबरदस्ती खड़े होकर पर काम लगवा रहे हैं, जिला प्रशासन की पूरी चूक है इसमें और इसमें यहाँ के जो मंत्री हैं, स्थानीय मंत्री, उनका पुलिस पर उनका हाथ है और ये मंत्री के सारे पर सारा काम हो रहा है। उस गांव का एक गरीब ब्राह्मण, एक वहाँ का निवासी परेशान है। कल रात को ये धरने पर बैठे हुए थे, धरने पर बैठने के बाद रात के कोतवाल साहब, शहर को सदर कोतवाल यहाँ पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके यहाँ पर काम रुक जाएगा, आप यहाँ से उठ जाएँ। जी, रात को उनके आश्वासन के बाद इनने अपना धरना समाप्त किया और वहाँ पर जब कार्य बंद ना हुआ तो इन्होंने वहाँ जब देखा काम बराबर लगा हुआ है, उसके बाद पुनः जी धरने पर बैठ गए हैं। हमारे कांग्रेस का इनके संग समर्थन है और हमारा आज धरना इनके साथ जारी है, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस इनका साथ देगी। ललितपुर जिले के लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम एम बेग के स्थानांतरण लेकर आज वेब मीडिया परिवार के सभी लोगों ने उन्हें नम आंखों से भावभीनी विदाई दी और उन्हें फूल मालाएं पहनाकर ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही उनके 2 साल के सराहनीय कार्य की भी सभी ने प्रशंसा की। इस दौरान वेब मीडिया अध्यक्ष नासिर, मीडिया मनोज जैन, सोनम यादव, नन्ही बाल पत्रकार अनु जैन और शिबू राठौर, इमरान मंसूरी के अलावा भी कई मीडिया कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक जी के 2 साल के कार्यकाल के दौरान जिले में कानून व्यवस्था के साथ साथ कई उपलब्धियां गिनाते हुए उनकी प्रशंसा की और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें विदाई दी। ललितपुर शहर के बाहुबली नगर में स्थित जैन मंदिर में आज आचार्य श्री आर्जव सागर ससन सानिध्य में मंदिर में मूर्ति विराजमान की स्थापना संपन्न हुई, जिसमें सभी जैन श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आचार्य श्री के प्रवचनों को बड़े ही उत्साह पूर्वक सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट सिर्फ ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के ललितपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कैलगामा चौराहे पर भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा लाए गए 3 बिलों को किसान विरोधी बताते हुए इसका जमकर विरोध किया और हाईवे जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते जाम करने से लगातार उन्हें रोका गया। कुछ घंटों प्रांत नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से देश और प्रदेश की सरकारों को बिल समाप्त करने की मांग की है। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। ये सरकार को चाहिए कि जो टैक्स की प्रणाली आपने चालू की है, वो टैक्स बाहर हो या अंदर हो, वो एक समान होना चाहिए। या तो आपने लगाया है तो फिर बाहर जो दलाल खरीद रहे हैं हमारे किसान का गेहूं, जो 1100-1200 के रेट में खरीद रहे हैं, जो एक तरफ सरकार कह रही है कि MSP पे किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा, आप उसको सरकार कह तो रही है लेकिन यहां देखिए ज़मीन पे क्या है, वो तो हो नहीं रहा है। इसलिए हमारा सरकार से भी आग्रह है कि जो टैक्स लगाया गया है मंडी में, वो बाहर भी लगाया जाए या फिर उसको जो है हमारे जो किसान भाई हैं या जो हमारे व्यापारी हैं उनका विरोध कर रहे हैं, तो जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए, अंदर है तो बाहर हो, एक समान प्रणाली लागू होना चाहिए। बिल्कुल दोहरी नीति है और ये किसानों के साथ नहीं, इस देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, कोई भी हो,
सबके साथ अन्याय अत्याचार आप देखिए कितना बढ़ गया है, लेकिन हम लोग लगातार किसानों के लिए, महिलाओं के साथ और नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बराबर लड़ाई लड़ती रहेगी, जब तक हमारे युवाओं, नौजवान और महिलाओं के साथ न्याय नहीं होता, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे ऐसे ही।